वेलकम गाइज, जी के एम स्क्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जी के एम स्क्यूज एम के चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो आज हम डिस्कस करने वाले आपका फिनोल एल्कोहल रिलेटेड चैप्टर का एम स्क्यूज, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते। टोलुइन के सूर्य के प्रकाश में मोनो क्लोरीन के पश्चात जलीय NaOH द्वारा अपघटन से बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया सारी पता होनी चाहिए आपको कि कौन सा रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्थो क्रिसोल, मेटाक्रिसोल, 2,4 डाइहाइड्रोक्सी टोलुइन बेंजीन एल्कोहल। सो गाइज, आपको राइट ऑप्शन पहले चूज करना है, उसके बाद में आपको राइट ऑप्शन बताऊँगा। आई होप आपने वन ऑप्शन पे टिक लगा दिया होगा अपने माइंड में। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंजीन एल्कोहल। जिनका ऑप्शन 4 टिक लगाया तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। तो ये आपका NaOH द्वारा अपघटन से ये बनेगा, ठीक है, बेंजीन एल्कोहल बनेगा जी। नेक्स्ट, अणुसूत्र C4H10O वाली कितनी एल्कोहल प्रकृति में कायरल होगी। अणुसूत्र C4H10O वाली कितनी एल्कोहल प्रकृति में कायरल होगी। 1, 2, 3, 4 राइट ऑप्शन आपको बताना है। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है, फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा। तो अणुसूत्र C4H10O वाली कितनी एल्कोहल प्रकृति में कायरल होगी, 1। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है गाइज, और क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे आपको। जेकेलॉन जॉब चैनल है, वहाँ पर भी आपको रोजाना मिलते रहेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम के लिए जेकेलॉन जॉब चैनल है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए जेकेलॉन जॉब चैनल। वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते हैं, जिसे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहे हैं, वहाँ पर भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसको जाके कर लेना फॉलो। निम्न अभिक्रिया में एल्कोहलों को क्रियाशीलता का कौन सा क्रम सही है, यहाँ पर दी हुई है, तो आपको सही क्रम बताना है इसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट में 1 डिग्री को हाइस्ट कर दिया गया है, 3 डिग्री को लो पे रख दिया गया है। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन है आपके सामने, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आपके क्रम पूछ लिया जाता है। अम्लीयता का क्रम, क्षारीयता का क्रम, क्वथनांक का बढ़ता क्रम, घटता क्रम, गलनांक का घटता क्रम, बढ़ता क्रम, है ना। सो सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि 3 डिग्री हाइस्ट रहेगा, 2 डिग्री थोड़ा लो और 1 डिग्री थोड़ा लो। तो क्रियाशीलता का क्रम ये वाला सही है, राइट। जिसने 12th अच्छे से पढ़ ली होगी तो उसको तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन तो रोजाना मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है, समझो आपका एडमिशन हो गया। CH3CH2OH को CH3CHO में द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, रिक्त स्थान पर यहाँ पर कौन सा आएगा, EMBT दिया हुआ है यहाँ पर। तो CH3CH2OH को CH3CHO में किसके द्वारा उत्प्रेरित किया जा सकता है, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन, LiLH4 से अभिक्रिया, पिरिडियन क्लोरोक्रोमेट से अभिक्रिया, केमेनोपोर से अभिक्रिया, बताइए। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पिरिडियन क्लोरोमेट से अभिक्रिया द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट, एल्किल हैलाइडों को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निहित होती है, योगज अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विहाइड्रो हेलोजन अभिक्रिया, या फिर पुनर्विन्यास अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में निहित होती है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया निहित होती है। क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे, क्वेश्चन की फिक्र छोड़ दो आप।
नेक्स्ट, और किसी भी टॉपिक पे चाहिए ना तो बता देना, आप तो बस टॉपिक बता देना। जैसे कि विटामिन का हम कर चुके, हार्मोन का भी हम कर चुके, पादप हार्मोन का भी कर चुके, कोरोना वायरस का भी हम कर चुके। इसके अलावा कोई भी आपको टॉपिक लगता है कि सर इस टॉपिक में बनाइए, तो हम तो बना देंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना हमारा काम है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक एल्कोहल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एरोमेटिक एल्कोहल है। देख लो अच्छे से, चार ऑप्शन आपके सामने है, जितनी भी गलतियां करनी है यहाँ पे करो, बट अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में मत करना, क्योंकि जो आप वहाँ पर टिक लगाओगे वो रिजल्ट में शो होगा। तो एरोमेटिक एल्कोहल है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ए बी सी डी, ए डी, बी सी ए। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। सो गाइज, एरोमेटिक की बात करें तो एक तो ये रहा आपका और एक ये रहा, ठीक है? तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड वाला हो जाएगा, बी सी, बी और सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों का आईपीसी नाम आपको देना है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था, आईपीसी नाम बहुत सारे बताए थे, और जिन्होंने नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल पे जाके लोगों पे जाके क्लिक करो, वीडियो के सेक्शन पे जाओ, सारे वीडियो देख लो। तो आईपीसी नाम आपको बताना है, टू क्लोरो, फाइव हाइड्रोक्सी हेक्सेन, टू हाइड्रोक्सी, फाइव क्लोरो हेक्सेन, फाइव क्लोरो हेक्सेन टू ऑल, टू क्लोरो हेक्सेन फाइव ऑल। इसका आईपीसी नाम जिसको निकालना आता होगा तो ईजिली कर देगा, जिसने ट्वेल्थ में सीख लिया होगा। और जिसको नहीं आता है ना आईपीसी नाम बनाना, तो कमेंट कर देना, हम सिखा देंगे उनको, वीडियो बना देंगे। अगर आपके ऑलमोस्ट 15-20 कमेंट आते हैं तो हम वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। सो आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइव क्लोरोहेक्सेन टू ऑल। इसका आईपीसी नाम क्या है? फाइव क्लोरोहेक्सेन टू ऑल। नेक्स्ट, मेटाक्रिसोल का आईपीसी नाम है बताइए, थ्री मेथिल फिनॉल, थ्री क्लोरोफिनॉल, थ्री मेथॉक्सीफिनॉल, बेंजिन 1,3-डायोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थ्री मेथिल फिनॉल, आईपीसी नाम थ्री मेथिल फिनॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जिसका पहला वाला जिसने लगाया होगा टिक तो उनका सही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका अगर गलत गया है ईमानदारी से, तो इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेना ईमानदारी से। नेक्स्ट, यौगिक CH3CHO CH3 आईपीसी नाम है, वन मेथॉक्सी, वन मेथिल एथेन, टू मेथॉक्सी, टू मेथिल एथेन, टू मेथॉक्सी प्रोपेन, आइसोप्रोपिल एथेन इतर। आईपीसी नाम से क्वेश्चन आता है, इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि टू मेथॉक्सी प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज प्रबलतम सार की तरह कार्य कर सकती है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह? क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ऐसे ही, और आप टेक्निक भी देख सकते हो क्वेश्चन, ये एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, OR, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा, C6H5OH, C6H5CH2OH, CH3COH, C2H5OH? इम्पोर्टेंट है, सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, टिक तो लगा दिया ना आपने, नहीं लगाया तो गाइज लगा दो, आपका ही फायदा है, टिक लगाना आपको अगर आ गया तो समझो आप कहीं पर भी बाजी मार जाओगे, और ऐसे सीखते टिक लगाना ईमानदारी से, किसी पे भी लगा दो, ये चार ऑप्शन है, गलत होगा तो अपने आप को कोसना, अपने आप को एक्सक्यूज़ देना कि क्यों नहीं आए अपन को, वजह क्या थी, तो
तो अपने आप को सजा भी दिया करो, 2 से 3 बार वीडियो को देखा करो। सो आपने टिक लगाया होगा तो मैं भी लगा देता हूँ टिक, राइट ऑप्शन हो जाएगा C6H5OH। ठीक है, तो जिन जिन स्टूडेंट का सही था उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट, अब अगला है आपका, फिनोल से कम अम्लीय है एथेनॉल और तो नाइट्रोफिनॉल और तो मेथिल फिनॉल और तो मेथॉक्सी फिनॉल, फिनॉल से कम अम्लीय, लेस एसिडिक। सो गाइस टिक लगा दो नहीं लगाया हो तो, ताकि आपको भी किसी पे भी लगाओ, एथेनॉल पे लगाओ और तो नाइट्रोफिनॉल पे लगाओ और तो मेथिल फिनॉल पे लगाओ और तो मेथॉक्सीफिनॉल पे लगाओ, आपको क्या लग रहा है कौन सा सही है उस पर लगा के देखो, ताकि आपको सीखे गलतियों से आप। आई होप आपने अवश्य लगाया होगा। सो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना, और तो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये कम अम्लीय होता है और तो नाइट्रोफिनॉल। अब आप बोलेंगे सर क्यों होता है, तो इसके लिए देखो बहुत सारी संरचनाएं हमको एक्सप्लेन करनी पड़ती है, पूरा इसका जितना भी फिजियोलॉजी वो सारी देखनी पड़ती है डिटेल, तब जाके आपको समझ में आएगा, और ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अनुनाद रेजोनेंस इसका पूरा क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम अम्लीय है, बेंजीन एल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल, फिनॉल, एम क्लोरोफिनॉल यानी कि मेटा क्लोरोफिनॉल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अम्लीय है। वो पहले वाला जो कम वाला पूछा गया था, अब ज़्यादा वाला पूछ लिया, अपोजिट है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम यानी कि मेटा क्लोरोफिनॉल अधिक अम्लीय है, और ऊपर वाले में आपका था और तो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, कम, और ये अधिक अम्लीय है मेटा क्लोरोफिनॉल। तो याद रख लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है, क्वेश्चन का टाइप आप देख रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। निम्नलिखित यौगिकों की घटती अम्लीय प्रबलता के सही क्रम में आपको निशान लगाना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लीय सामर्थ्यता के सही क्रम यानी कि घटते क्रम में आपको बताना है। ये ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन, OH कंबाइन है ऊपर की ओर, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है घटते क्रम में आपको बताना है। आई होप आपने अवश्य टिक लगाया होगा, चाहे तो आप रब कार्य में अपना काम कर सकते हो जो भी आपको लगता है, क्योंकि आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में रब कार्य के लिए पेज भी दिया जाएगा, तो आपने अवश्य किया होगा इसका हल। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए घटते क्रम में हमको जमाना है, तो सबसे ज़्यादा तो इसमें बी है, ठीक है, और उससे कम डी है, और उससे कम ए है, और उससे कम सी है, और उससे कम ई है, तो ये क्रम तो हमको दिख रहा है सेकंड वाले में, तो ये इसका राइट ऑप्शन है सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित यौगिकों की HBr HCl के साथ बढ़ती हुई क्रियाशीलता के सही क्रम पर निशान लगाइए, निम्नलिखित यौगिकों के HBr HCl के साथ बढ़ती हुई क्रियाशीलता के सही क्रम में निशान आपको लगाना है, बढ़ती हुई क्रियाशीलता के सही क्रम में। ऑप्शन आपके लिए प्रोवाइड है, देख सकते हो, बढ़ती हुई क्रियाशीलता यानी कि कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। सो सिंपल, सबसे कम तो इसमें है और उससे ज़्यादा सी में है और उससे ज़्यादा ए में है, यानी कि ऑप्शन थर्ड, ऐसे बनता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित यौगिकों को बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, क्वथनांक के क्रम में बढ़ते हुए यानी कि कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, यह है आपका, इसको जमाना है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो देख सकते हो आप, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो समझो, फिर टिक लगाओ। लॉन्ग है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो आपको टाइम लग सकता है, का उतना के बढ़ते क्रम में। आई होप आपने अवश्य टिक लगाया होगा। देखिए गाइस, यहाँ पर जो बढ़ते हुए क्रम, यानी कि सबसे कम तो है आपका प्रोपेन वनोल का, ठीक है, प्रोपेन वनोल। उससे थोड़ा ज़्यादा है आपका ब्यूटेन टोल, उससे थोड़ा ज़्यादा है आपका ब्यूटेन वन ऑल पेंटेन, ब्यूटेन वनोल पेंटेन, ठीक है, और उससे ज़्यादा है आप ब्यूटेन वन ऑल, सॉरी ब्यूटेन वन ऑल का, ठीक है, और उससे ज़्यादा आपका लास्ट का हाइस्ट किसका है, पेंटेन वन ऑल का। तो ये क्वेश्चन तो आपके किस में दिया हुआ है, देख लो, फर्स्ट वाले में दिया हुआ है, तो आपका फर्स्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपके चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका चैप्टर, आपका जो पार्ट है एनसीईआरटी का, उसमें भी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, सो गाइज, आपका जो एल्कोहल फिनोल इतर का जो चैप्टर है, वहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये वर्गीकरण, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, और ये नाम मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक, नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले तो आपको वर्गीकरण देखना है, ठीक है, उसके बाद चलते आगे एक और। सो गाइज, उसके बाद कुछ एल्कोहल के सामान्य नाम तथा आईपीसी नाम आपको याद रखने हैं। जैसा कि हमने एमसीक्यूज किया था, तो वहाँ पर बहुत सारे आईपीसी नाम आपसे पूछे गए थे, सामान्य नाम और आईपीसी नाम, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो एन ब्यूटिल एल्कोहल है उसका आईपीसी नाम क्या होगा, तो जिसको पता होगा ये टेबल, तो वो ब्यूटेन वनोल कर देगा, टिक लगा देगा। सो इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोपेन वन ऑल का सामान्य नाम क्या होगा, तो एन प्रोपिल एल्कोहल होगा, बट ये टेबल आपको पता है तब जाके आपका काम बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ये पूरे एल्कोहल की आपके सामने टेबल है, एडजस्ट इसको कर लेते हम। ये देखिए, ये है आपकी टेबल, तो इसमें सामान्य नाम भी दिया हुआ है और आईपीसी नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, IUPAC। सो गाइज, मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ ये टेबल सभी को याद रखनी है, जिसको अपने कंपटीशन एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स चाहिए, तो अच्छी खासी रैंकिंग चाहिए, तो ठीक है। तो ये कालो के IUPAC नाम और सामान्य नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड तो कमेंट में लिख देना, सिंपल है, याद हो जाएगी आपको। चलते आगे एक और गाइज, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है पूरा चैप्टर इंपोर्टेंट है, क्या बताऊँ आपको। देखिए यहाँ फिर सामान्य नाम और आईपीसी नाम यहाँ पर दे दिए गए, ये देखिए, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो ईजिली, ठीक है। और थोड़ा नीचे जाओगे फिर इंपोर्टेंट है आपके लिए, यानी कि पूरा चैप्टर इंपोर्टेंट है ये वाला, तो आपके पार्ट, आपकी जो एनसीईआरटी पार्ट हुए ना उसका पूरे पूरे इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, क्वेश्चन तो बनता ही है। उसके बाद इत्र आ गया, तो इत्र भी इम्पोर्टेंट है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, ये देखिए, ये आपके इत्रों के साधारण नाम और आईपीसी नाम, ये एक टेबल और आ गया आपके लिए, तो इसको भी याद करना है आप ही को। ये देखो, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है इनमें से, ये टेबलें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और क्वेश्चन अक्सर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो यहीं से बनते हैं। जैसे कि यहाँ से पूछ लिया गया कि मेथिल आइसोप्रोपिल इत्र का आईपीसी नाम क्या होता है, मेथिल आइसोप्रोपिल इत्र का, तो वो होता है 2-methoxypropane, राइट। नेक्स्ट, ये जितनी भी क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको याद रखना है भौतिक गुणधर्म, और उसके उसमें इंपॉर्टेंट है कवथनांक, कवथनांक का क्रम आपसे, जैसे कि किस प्रकार से बनता है, घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, तो यहीं से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद एल्कोहल और फिनोल की अम्लता, जैसे कि दांतों के साथ अभिक्रिया है, ठीक है, एल्कोहल की अम्लता, ये देखिए, प्राथमिक द्वितीय तृतीय। गाइज, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिनोल की अभिक्रिया, यानी कि हर जगह देखो कोई भी चीज़ यहाँ बेकार नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है। एस्टरीकरण आ गया उसके बाद, ठीक है, एल्कोहल फिनोल कार्बोक्सिल अम्लों तथा अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया द्वारा एस्टर बनाती है, कितने अच्छा चैप्टर है। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, देखो कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
उसके बाद आपके आ जाते हैं कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है, कैसे होती है, आपकी बुक में दिया हुआ है। और उसके बाद राइमर टिमान अभिक्रिया, ये अभिक्रिया को नाम आपको दे दिया जाता है और बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं जिसको पता नहीं है। तो ये राइमर टिमान अभिक्रिया, कुछ अभिक्रिया का नाम है ना, तो उसको याद रख लेना। जैसे कि राइमर टिमान क्या होती है कि फिनोल के सोडियम की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया से बेंजीन CHO समूह और तो स्थिति पर प्रवेश करता है, इस अभिक्रिया को राइमर टिमान अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, तो ये तो आपको याद रखना है। फिनोल के साथ ही इस अभिक्रिया ऑक्सीकरण, सारे चैप्टर यहाँ पर आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एल्काहल का निर्जलीकरण, ये देख लो दोनों कंडीशन में, ठीक है, टेम्परेचर का फ़र्क है तो कितना फ़र्क आ गया, आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें आपसे आप ध्यान नहीं देते हो, बट वो इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। नेक्स्ट, सो गाइज, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो कंपलसरी हुआ है आपका समरी, सारांश, पूरे चैप्टर का सारांश इसमें दिया हुआ है, तो ये इस ब्रैकेट को अच्छे से रीड कर लेना है। ओके, तो गाइज, जेक्लोन जॉब चैनल हमारा जो है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में MCQs हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और रही बात की सारे MCQs, तो नीचे आपको लोगो दिख रहा होगा GK MCQ MK का, तो उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न ओपन होगा, इस प्रकार का प्रश्न ओपन हो जाएगा, राइट। तो आपको वीडियो सेक्शन पर क्लिक कर देना है, और वीडियो सेक्शन पर ये देखो सारे वीडियो आपके सामने, कोरोना वायरस वाला भी वीडियो आपके सामने हो चुका है, और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सारे जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हमारे चैनल पर, वो आपके पास आ चुके हैं इस चैनल के थ्रू। ये देखिए पूरा का पूरा चैनल आपका अपना चैनल समझो, कभी भी आप पढ़ सकते हो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, वीडियो निकाल के पढ़ लो, सब कुछ इसी में रहेगा हमेशा तक, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी वीडियो आपको मिस लग रहा हो कि इसको नहीं देखा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जेक्लोन जॉब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, धन्यवाद।